सध्या संपूर्ण महाराष्ट्राला पावसाचे वेध लागले असून येत्या 2 दिवसांमध्ये कोकण आणि गोव्यात जोरदार पाऊस होईल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलेला आहे. 21 तारखेपर्यंत मान्सून कोकणात येईल आणि 24 जूनपर्यंत मान्सून संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापेल असंही हवामान खात्यानं सांगितलंय. याआधी 16 ते 18 जून या कालावधीमध्ये कोकण विभागात काही ठिकाणी मुसळधार तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यामध्ये काही ठिकाणी पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केला आहे. जो अरब सागर वाला हिस्सा वायु के वजह से थोड़ा वीक पड़ गया था ओवर लैंड एरियाज, इसमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ मिल रहा है एवं एक्सपेक्टेड आगामी 1-2 दिन में इसका फर्दर प्रोग्रेस देखने को मिलेगा. इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एवं साथ में पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एवं एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 4-5 दिन में अरब सागर वाला हिस्सा के साथ साथ बंगाल के खाड़ी वाला हिस्सा ये भी स्ट्रांग होता हुआ नज़र आएगा. 20 लेटेस्ट में 21 एक्सट्रीम सदर हिस्सा यानी कि कोंकण का यहाँ पे मानसून दस्तक देने जा रहा है एवं पूरा प्रदेश एक्सपेक्टेड है 24 तारीख तक प्रदेश में अच्छा बारिश मिलना चाहिए. अरब सागर वाला हिस्सा, बंगाल के खाड़ी वाला हिस्सा दोनों के कारण एवं लेटेस्ट बाई 25 तक पूरा प्रदेश मॉनसून कवर कर लेना. हा वीडियो तुम्हाला आवडला असेल तर लाइक कमेंट आणि शेयर करा, सब्सक्राइब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा. तसेच डाउनलोड करा आमचं ऍप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाइटला www.amnews.live.